ये छपरा जिला का सोनपुर बहुत बड़ा एरिया है, उसी एक जगह है बरवट्टा गांव, वन विभाग का नर्सरी। हटिए छड़ेपा होने जा रहा है, होने ओ हटिए हो। इसी मकान में छत के ऊपर करकट का छत रखा हुआ था, इसी में सांप कई दिन से था पता नहीं, इसलिए एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। फान लिखिए इस सांप को देखने वाला था, इसका पंडाल जो बांधने वाला जो स्टाफ था, पंडाल बांधते समय नज़र पड़ा, काफ़ी डर गए। फिर घर वालों को सूचना मिला, घर वाले ने तत्काल वन विभाग से संपर्क करके फिर हमें सूचना मिला। मैं बेसमय गवाए हुए मैं आकर सांप को रेस्क्यू कर रहा हूँ। देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा है, ये 30 साल पुराना ये सांप गेहूँ सांप है, ये बहुत ही जहरीला नाग है, ये बड़ा फन वाला है, बार बार फन मार रहा अपने आप को बचाने के लिए, बहुत ताकत भी लगा रहा है। सांपों के साथ काम के लिए जोखिम भरा काम है, फिर भी पर्यावरण के लिए किया जाता है। हर जगह पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, इंटरनेशनल जो है ये पर्यावरण मित्र होते हैं। सांपों के मारे नहीं, जब भी घर है कोई भी जंगली जीव और आ जाता है निकलने का रास्ता दे, नहीं अगर निकलता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करें, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग आते हैं सुरक्षित सांप को पकड़ के फिर पर्यावरण में आजाद कर देते हैं। पर्यावरण में सहयोग करें, इनको रखा जा रहा है जिसे कहीं ले जाने में कहीं नुकसान ना हो, काफी सेफ्टी हो जाता है इसमें।
ऑलरेडी ऑक्सीजन लेने के लिए उसने छिद्र किया हुआ है, किसी समय खतरा होने का 100% चांस होता है, इस समय काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, सावधानी के साथ काम किया जाता है, रखा जाता है। मैं डॉक्टर सौम्य कुमार वैशाली जिला का जलुआ गांव से बिलोंग करता हूं। धन्यवाद वंदे मातरम।